हम सबके मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत माननीय शिक्षा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री भारत सरकार श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी को कृपया हम सबके चहेते राष्ट्र गौरव विश्व विख्यात व्यक्तित्व लोक विश्रुत नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में स्वागत भाषण एवं उनकी गरिमामयी उपस्थिति पर अभिनंदन हेतु मंच पर पधारें माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार। नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूरा होने के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित शिक्षा के महाकुंभ में अखिल भारतीय शिक्षा समागम में आप सभी का स्वागत। 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस भव्य भारत मंडपम का देश को लोकार्पित किया गया। आज यहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन होना नए भारत नेतृत्वकर्ता भारत के लिए गौरव की अनुभूति का पल है। NEP 2020 आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में 21वीं सदी के नए भारत का पथ प्रशस्त करने वाला मूल दर्शन का प्राण तत्व है। अखिल भारतीय शिक्षा समागम की शुरुआत पिछले वर्ष वाराणसी में उच्च शिक्षा पर केंद्रित हुई थी। आज जब हम सब दूसरे शिक्षा समागम का साक्षी बन रहे हैं तो उसमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल युक्त शिक्षा तीनों समाहित है। यह हम सभी के लिए सुखद अनुभूति है कि हम वाराणसी में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रेरणादायी मार्गदर्शन मिला था और आज भी हमें उनका सानिध्य और प्रेरक मार्गदर्शन का अवसर मिल रहा है। 2014 से ही देश की शिक्षा नीति को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण, दूरदर्शिता, मार्गदर्शन प्रेरणा देने वाला रहा है। इस अवसर पर मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि आजादी आंदोलन के दौर और उसके बाद महात्मा गांधी जी, रविन्द्रनाथ टागोर जी, स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि अरविंद जी से लेकर मदन मोहन मालवीय तथा सर्वपल्ली राधाकृष्ण जैसे विभूतियों ने जिस समग्र और बहुआयामी शिक्षा की जो परिकल्पना रखी, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उस चिंतन धारा को मूर्ति रूप दे रही है। आजादी के कालखंड में संविधान निर्माण में हुई विस्तृत बहस और चर्चा के बाद यह पहला अवसर है जब इतने व्यापक लोक परामर्श और जन भागीदारी के साथ कोई जन मसौदा तैयार हुआ है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जिस स्वरूप को देख रहे हैं वो भारत की शिक्षा के प्रति भारत की भावना का प्रकटीकरण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उपनिवेशवाद की मानसिकता से मुक्ति का मार्ग खोलने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय भाषाओं, भारतीयता के मूल्यों के प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की ज्ञान धारा को भविष्य की समृद्ध करने वाला एक महत्वपूर्ण दूरदर्शी दस्तावेज है। भारत, भारतीय, भारतीयता के तत्व के समाहित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति समावेशी है, सर्व सुलभ है, सर्वस्पर्शी है, न्यायमूलक है। इसे 2 दिवसीय मंथन में से जो अमृत निकलेगा वो अमृत काल में अमृत पीढ़ी को ही मिलेगा जो एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण करेगा। सभी को स्वागत, धन्यवाद।